हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली सैमसंग इंडियन मार्केट में अपनी एफ सीरीज में एक और एक नए तगड़े 5G स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहेगा यहां पर सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। फाइनली इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट सैमसंग इंडिया ने कन्फर्म कर दिया है। क्या कुछ आपको इंडिया वाले वेरिएंट में एक्जैक्टली में स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, इंडिया प्राइस पॉइंट आपको क्या देखने को मिल सकती है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन की ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 6 जून मतलब 6 जून को ये ऑफिशियली जो है इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च करा जाएगा। फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा, फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी ये स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज आ चुका है। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप है, फ्लैश है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, टिपिकल सैमसंग वाला डिजाइन देखने को मिलता है, काफी सिंपलिस्टिक लुक के साथ में मिलेगा। बैक में यहां पर अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाला बैक दिया जाएगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 6.7 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर दिया जाएगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में बताया जा रहा है 6GB 8GB अलग अलग आपको वेरियंट देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, साथ ही में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको सैमसंग का खुद का एक्सिनोस का 1380 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है एंड सारे 5G बैंड का सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है OIS के साथ में, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 1 UI पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, सैडली 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड स्पीकर बताया जा रहा है आपको सिंगल बॉटम फायरिंग वाला ये बार देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, जो कि आप कह सकते हो स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको 6000mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करेगा 25W की फास्ट चार्जिंग को। अब सैमसंग वाले भाई डब्बे में चार्जर देते नहीं देते पता नहीं, 50-50 चांसेस है, मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। आपके हिसाब से चार्जर डब्बे में आना चाहिए नहीं आना चाहिए मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन के इंडियन यूनिट में। गाइस, अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लीक्स के अगर माने तो जो बेस वेरिएंट है इंडियन मार्केट में अराउंड आपको 27,000 से 28,000 रुपीस के बीच में स्टार्ट होते हुए दिख सकता है। वैसे गाइस, हां मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे, आपके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप क्यों सो नहीं होगी एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।